नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो टिश्यूज लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे ही हमारा O2 आता है। ठीक है, यहाँ पर जो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं O2 इसके साथ कंबाइन करके इनका ऑक्सीडेशन करता है और CO2 का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब ये CO2, ठीक है, यदि हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो ये हार्मफुल इफेक्ट देगा। ठीक है, इसलिए इनका रिलीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो हमारा CO2 टिश्यू लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ठीक है, ये होगा मेनली बाय ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही होगा, जैसे कि हमारा O2 के केस में था इन सोल्यूशन फॉर्म में, एंड ये इट आल्सो कंबाइंड विद HP। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, जो हमारा अर्टेरियल ब्लड होता है या हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें जो अमाउंट ऑफ CO2 की होती है, दैट इज 48 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जो विनस ब्लड होता है, मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उनमें जो अमाउंट ऑफ CO2 की होती है, दैट इज 52 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, अब जो हमारा ये जो हमारी CO2 की अमाउंट है, इसका ट्रांसपोर्टेशन बाय विच फैक्टर, मीन्स कौन से फैक्टर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारे ब्लड के टू फैक्टर इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज ब्लड के टू फैक्टर कौन कौन से हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड आरबीसी। जो प्लाज्मा होता है ये डिजोल फॉर्म में CO2 की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और जो आरबीसी जो होती हैं वो इसको कंबाइंड फॉर्म में, मीन्स जो हमारे आरबीसी जो होता है उसमें HB प्रेजेंट होता है, और HB के साथ CO2 कंबाइन होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसके थ्रू हमारा जो CO2 होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा होती है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इज 36 ml। जो प्लाज्मा होता है उसके थ्रू जो हमारा ब्लड और CO2 ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज 36 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। और जो सेकंड होता है हमारे RBCs, मीन्स कंबाइंड फॉर्म में जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज 40 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड के साथ। ठीक है, अब देखिए जो पहला ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स होता है ब्लड के थ्रू, किस फॉर्म में होता है, ये थ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म है एज ए कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जो हमारे CO2 होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, मीन्स हमारा जो CO2 है, ठीक है, वो वाटर के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस वाटर के साथ CO2 कंबाइन होगा, ये CO2 कौन सा होगा, जो टिश्यूज में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करेगा, इस फॉर्म में हमारा जो CO3 है, मीन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और ये कितना ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज 7% ऑफ टोटल CO2, जो हमारा टोटल CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके 7%, और इसकी अमाउंट होगी, दैट इज 0.3 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगी ये कहाँ आकर होगी, इन आरबीसीज, और आरबीसीज में क्यों होगी, क्योंकि आरबीसीज में हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ठीक है, अनहाइड्रेज। ठीक है, और ये क्या होता है, जिंक एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है, मीन्स हमारे जो CO2 और H2O का जो कम्बिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, और कन्वर्ट होगा H2CO3 में, और इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या है, हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ H2CO3 का इंक्रीज हो रहा है तो ये कन्वर्ट होगा अगेंस्ट CO2+H2, या फिर एट द लेवल ऑफ लंग लेवल पर भी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, सेकेंड है हमारा एज ए बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सेकेंड है हमारा बाइकार्बोनेट
ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड सोडियम और पोटेशियम के जो बाइकार्बोनेट होंगे उनके थ्रू भी हमारे जो CO2 का होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। और अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है, और देखो देखो जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर CO2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब CO2 जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है ये हमारी किस में रिलीज हो जाएंगी, ये हो जाएंगी दैट इज इंटरस्टिशनल स्पेस, इंटरस्टिशनल स्पेस होगा उसमें रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। अब इंटरस्टिशनल स्पेस से ये आरबीसीज में एंटर करेंगी, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लड, ये होल ब्लड हो गए, ये हो गया हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा फैक्टर, ठीक है, ये हो गए हमारे प्लाज्मा, ठीक है, ये जो रीजन है दैट इज जो प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या है हमारा आरबीसीज मीन्स कॉर्पसल्स है, ठीक है, आरबीसीज प्लाज्मा के थ्रू हमारा जो CO2 होगा वो पहुंच जाएगा इन आरबीसीज में, ठीक है। अब जो आरबीसीज हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करेंगी, ये हो गए हमारे कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कि जो हमारा CO2 है, ठीक है, ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा, ये जो CO2 है वाटर के साथ कंबाइन करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज यहाँ पर कौन सा एंजाइम था, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ठीक है, इसके प्रेजेंस में H2CO2 मिलकर क्या बना रही थी, H2CO3, H2CO3 मीन्स ये क्या हो गया हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस, अनहाइड्रस की प्रेजेंस में, ठीक है। अब जो H2CO3 है इनका ब्रेकडाउन होगा और इसका ब्रेकडाउन किस किस में होगा, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इन दो कंपोनेंट्स में हमारा H2CO3 का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और जो हमारा H पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और रिड्यूस हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये हो गया हमारे रिड्यूस हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हमारा H2CO3 है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा था HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव रिड्यूस करने के लिए यूज हो गया HB को, ठीक है। अब जो HCO3 नेगेटिव है ये हमारा RBCs से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये हमारा RBCs से बाहर निकल गया, मीन जो हमारा नेगेटिव चार्ज था HCO3 नेगेटिव फ्रॉम आरबीसी से लिबरेट हो रहा है, ठीक है, और इसकी मीन्स आरबीसी की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हमारा जो NaCl है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीन्स ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हमारा SU3 नेगेटिव बाहर निकलेगा तो Cl नेगेटिव क्या होगा, एंटर कर जाएगा इन द आरबीसी, ठीक है, मीन्स एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है और एक अंदर जा रहा है, इससे क्या होगा हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो SU3 नेगेटिव है, ठीक है, जो हमारा Na पॉजिटिव रिलीज हो रहा था इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और फॉर्मेशन करेगा NaSU3, ठीक है, मीन्स हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर KCl होगा, मीन्स पोटेशियम क्लोराइड होगा, ठीक है, वो भी ब्रेक होगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, Cl नेगेटिव एंटर कर जाएगा और जो हमारा K पॉजिटिव होगा वो बाय मीन्स ये जो हमारा बाइकार्बोनेट है इसके साथ कंबाइन होगा और फॉर्मेशन करेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट की, ओके। देखो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है इन द प्लाज्मा में हो रही है, ठीक है, बट जो हमारा पोटेशियम बाइकार्बोनेट होगा उसकी जो फॉर्मेशन होगी दैट इज इन आरबीसीज में होगी। और ये क्यों होगी, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ जो SU3 नेगेटिव है मीन्स बाइकार्बोनेट है वो री एंटर करेगा इन दी आरबीसीज, आरबीसी में री एंटर करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये K पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये हमारा क्लोराइड शिफ्ट भी हो गया, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट मीन्स जो हमारे क्लोराइड था वो एंटर कर गए आरबीसीज में, ठीक है। ये हो गया हमारा टिश्यू लेवल पर जहां पर क्या हो रहा था, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। अब जो हमारा लंग लेवल पर क्या होगा, लंग लेवल पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो क्लोराइड शिफ्ट था उसका रिवर्ज हो जाएगा, रिवर्ज ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ओके।
देखो लंग लेवल पर जो प्रोसेस होगी दैट इज कि हमारा जो लंग लेवल पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और हमारी आरबीसीज में क्या प्रेजेंट है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो रिड्यूस फॉर्म है HHB, ठीक है, HHB है, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन, ठीक है, H+ HB, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारे आरबीसीज में रिलीज, ठीक है। और HB क्या करेगा, आरबीसीज में O2 के साथ कंबाइन होगा और फॉर्मेशन करेगा ऑक्जी हीमोग्लोबिन की, ठीक है। यहाँ पर ऑक्जी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो गई और एच पॉजिटिव रिलीज हो गया, ठीक है। अब जो हमारे SCO3 नेगेटिव आयन थे, SCO3 मीन्स बाइकार्बोनेट आयन थे, ठीक है, वो एच पॉजिटिव के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोनिक एसिड की, H2CO3, ठीक है। और ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा इंटू, किस में ब्रेक डाउन होगा, इसका H2O+CO2, ठीक है। जहां पर PO2 का लेवल हाई होगा वहां पर H2 और CO2 की फॉर्म में स्पिल्ड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम है दैट इज कार्बोनिक अनहाइड्रस, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ तक की प्रोसेस हो गई कि ये H2 और CO2 में स्पिल्ड हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारा NaSNaHCO3 था, ठीक है, NaSCO3 था, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन किसमें, Na+ SCO3- में, ठीक है। अब जो Na+ और SCO3- में ब्रेक डाउन हो गए, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, प्लाज्मा में, ठीक है। अब जो प्लाज्मा से SCO3- एंटर करेगा इनटू आरबीसीज, आरबीसीज में एंटर करेगा, और यहाँ पर एंटर करने के बाद क्या होगा, जो हमारा Na मीन्स यहाँ पर एक, यहाँ पर ये जो SCO3- था ये एंटर करेगा आरबीसीज में, ठीक है, मीन्स हमारा नेगेटिव चार्ज आरबीसीज में एंटर कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, जो हमारा Cl- है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा, तो ये Na के साथ कंबाइन होकर NaCl की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ऐसे देखो ये हमारा आरबीसीज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले जो हमारा रिड्यूस HB था, HHB था, वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे इन H+ HB के साथ, ठीक है। अब जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो हमारा HB ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और HOG होमोग्लोबिन के फॉर्मेशंस करेगा, ठीक है। जो एच पॉजिटिव था वो किसके साथ कंबाइन होगा, SCO3- के साथ, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट होगा, H2CO3 में, ठीक है। और ये किस में ब्रेक होगा, H2O+CO2, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो हमारा NaSCO3 था, ठीक है, यहाँ पर ये कंबाइन हो रहा है, ठीक है, कंबाइन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसीज, क्योंकि जैसे ये कंबाइन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ SCO3- की डिक्रीज हो जाएगी, तो ये प्लाज्मा से शिफ्ट होगा मीन्स, और ये जो SCO3- है वो हमको कहाँ से ऑब्टेन हुआ, NaSCO3 मीन्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट था उससे, या फिर हमारा जो आरबीसीज में पोटेशियम बाइकार्बोनेट था उससे, ठीक है। ये किस में ब्रेक होगा, H+ K+ SCO3-, ठीक है। अब जैसे ही ये शिफ्ट होगा, एक नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, Cl- बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और Cl- जो बाहर निकलेगा वो Na के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और फॉर्मेशन करेगा NaCl की, ठीक है। आ गए, ये हो गया हमारा रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, एज ए कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन होगा उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा CO2 का, दैट इज 23%, ठीक है। अब जो हमारा HB था, ठीक है, H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो रहा था और किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, रिड्यूस HB की, ठीक है। अब ये जो रिड्यूस HB है ये किसके साथ कंबाइन होगा, CO2 के साथ, और फॉर्मेशन करेगा CO2HHB मीन्स
कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, ओके, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये जो कम्बिनेशन होगा दैट इज फेवर बाय जहां पर हाई पी सी ओ टू का लेवल हाई होगा, मीन्स जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू का हाई होगा वहां पर ये फॉर्मेशन होगी कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। हमारा पी सी ओ टू का लेवल कहाँ हाई होगा, इन द टिश्यू लेवल, टिश्यू या सेल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो गई, बट जो हमारा ये जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में, दैट इज वेरी वीक, ठीक है। और ये वीक है इसलिए क्या यूजफुल है इसका, कि ये एल्वियोलाई लेवल पर, एल्वियोलाई लेवल पर क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा और CO2 को, एल्वियोलाई लेवल पर CO2 को रिलीज कर देगा इजीली, ठीक है। और उसके थ्रू मींस लंग में पहुंच जाएगा और लंग से हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2 का रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा जो HHB है, मींस हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ये एक्ट एज ए बफर, एक्ट एज ए बफर की तरह भी एक्ट करता है। ये बफर की तरह एक्ट कैसे करता है, जो हमारा ब्लड होता है उसकी पीएच होती है 7.4, ठीक है। और इसको मेंटेन करना इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज हमारी जो मोस्टली एक्टिविटी होती है जो एंजाइम के थ्रू होती है, मीन्स हमारी एक्टिविटी एंजाइम के थ्रू होती है, और जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं पीएच स्पेसिफिक, ठीक है, पीएच स्पेसिफिक। पीएच क्या होती है, हमारी एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन होती है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ब्लड में एच मींस जो हमारी एल्कलिनिटी इंक्रीज होगी, मींस जो हमारी पीएच होगी वो 7.4 से अब हो जाएगी, तो क्या होगा, तो जो हमारा एचएचबी है, ठीक है, ब्लड में क्या रिलीज कर देगा, एच पॉजिटिव आयन, ठीक है। और एच पॉजिटिव आयन कर देगा तो हमारा जो पीएच है वो 7.4 पर मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और यदि हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक कंडीशंस में जा रहा है, मींस हमारे जो पीएच है वो 7.4 से बिलो जा रहा है, लाइक 7.321, ठीक है, 7.6, ठीक है, मींस 7.6 कुछ समथिंग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एसिडिक, और एसिडिक में क्या होता है, हमारे एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एच भी इस टाइम पर क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन होगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा और फॉर्मेशन होगी रिड्यूस हीमोग्लोबिन, और जो हमारी ब्लड की पीएच